राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रत्याशी से राजेश भाटिया हैं। राजेश जी, आप वोट करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा वातावरण भाजपा ही हुआ है यहाँ पे। आप खुद देख रहे हैं, आते जाते लोग मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ फेरते जा रहे हैं, नमस्ते करके बुलाते जा रहे हैं। तो ये बताता है कि राजेंद्र नगर जनता भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। आप चुनाव में घूम रहे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो स्थानीय बनाम बाहरी का जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पहले इन्होंने धोखा दिया, बाहरी व्यक्ति दिया, वो 2.5 साल विधायक रहा, कभी जनता से मिला नहीं और बीच में छोड़कर भाग गया। और ये भी करावल नगर से हारा हुआ व्यक्ति है, तो ये भी कल को इसका क्या लिया? कोई स्थानीय कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। उनकी उसकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, भाई साहब हम आपके साथ हैं, हमारी मजबूरी है, हमें बट दिल से आपके साथ हैं, क्योंकि हमें अपना लोकल आदमी चाहिए, हमें बाहरी नहीं चाहिए, ये हमें पहचानता ही नहीं है, हमारी इज्जत क्या करेगा? जो व्यक्ति अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल पा रहा, वो जनता को क्या संभालेगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जनता में, और मैं ही पैदा हुआ, ही बड़ा हुआ, लोगों के बीच में खेला कूदा, बड़ा हुआ, एक एक व्यक्ति मुझे नाम से जानता है, एक एक व्यक्ति को मैं नाम से जानता हूँ। अभी देखो, आपके साथ सामने लोग आते हैं, कितना आशीर्वाद देकर जा रहे हैं मुझे, तो क्लियर इसके बाद क्या रहेगा? और कौन कौन से मुद्दे वो रहे हैं जब लोगों से आप लोग? पानी सबसे बड़ी बात, पीने का पानी नहीं है, है तो गंदा आता है, सीवर सिस्टम फेल हो चुका है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, बिजली नहीं है, ये कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, बिजली है ही नहीं, और पहले कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे, अब कह रहे फॉर्म भरो, उसकी आड़ में लोगों को निपटा देंगे कि चेकिंग करने आएंगे फॉर्म भरने वाले घर, नहीं तेरे घर तो कूलर पड़ा है, हम तुझे तेरी बिजली काट रहे हैं। तो ये सब धोखा जो झूठ फरेब किया है, शराब के ठेके खोल दिए, शराब की नगरी बना दी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका महिला काफ़ी परेशान दिख रही है इस इलाके में, सभी महिला, युवा भी चाहता है कि हमारे को शिक्षा की तुम प्रोवाइड करते हो, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करो, हमें शराब नहीं चाहिए। अच्छा राजेश भाटिया जी, एक सवाल है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी कार्ड भी खेल दिया, ये बुखलाड़ दी ना, उनका व्यक्ति भारी है, मैं यहाँ पैदा हूँ, बड़ा हूँ, लोगों में बहुत गुस्सा है, राजेंद्र नगर विधानसभा जनता बहुत गुस्सा है, कहते हैं जब कोई पूरी विधानसभा में मेरे साथ पड़े बच्चे हैं, दोस्त हैं मेरे, साथी हैं, उनके परिवार हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं, 57 साल पहले तो मेरा जन्म यहाँ हुआ, 75 साल से मेरे माता पिता यहाँ रह रहे हैं, मेरी माता जी आयु 85 वर्ष है, तो लोगों को गुस्सा है कि आप अपने हार से बुखलाहट में एक जो बाहरा बेटा है, जो देश का सच्चा सिपाही है, उसको पाकिस्तानी कह रहे हैं, तो गुस्सा है लोगों में इस बात को भी। तो 26 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे, तो कितने मतों से आप? 10 और 11 हज़ार के बीच में हमारी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश भाटिया जो बता रहे थे कि इस चुनाव में इस बार राजेश भाटिया ही राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव से चुनाव जीतेंगे, और इन्होंने दावा किया है कि लगभग 10,000 वोट से ये चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर इस वक्त ये अपने परिवार के साथ वोट डालने आए हैं, और आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा में लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरा है, महिला सुरक्षा है, शराब का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर रही है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार 10,000 वोट से ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन 26 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कौन इस क्षेत्र से विधायक बनता है, इसके लिए महज 26 तारीख का इंतज़ार करना होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे।